जयपुर में महारानी गर्ल्स कॉलेज में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के सांसद अविनाश राय खन्ना रहे। खन्ना फिलहाल जयपुर के दौरे पर अमित शाह के कार्यक्रम में आए हुए हैं। महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल अल्पना कटेजा ने उनका स्वागत किया। कॉलेज की छात्राओं ने कार्यक्रम में डांस की जबरदस्त प्रस्तुतियां दी। कॉलेज की प्रिंसिपल अपने स्वागत भाषण में कॉलेज के बारे में विस्तार से बताया और इस समय कॉलेज में 7,000 लड़कियां अध्ययनरत है। हाल ही में ताइक्वांडो में ब्राजील में स्वर्ण पदक जीत कर आने वाली महारानी कॉलेज की लड़की है। उन्होंने बताया कि कैंपस को इको फ्रेंडली बनाया हुआ है और बताया गया कि महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल ने 28 मेधावी छात्राओं को स्कूटी जो सरकार द्वारा दी गई वह भी बांटी। नया सेशन शुरू हो रहा था तो मेरा मन था कि बच्चों और टीचर के साथ एक इंटरेक्शन किया जाए। जो मेरे अपने एक्सपीरियंस थे एज ए विद्यार्थी और एज ए रिप्रेजेंटेटिव और जो कुछ मैंने बच्चों और टीचर्स के लिए कहा किया है या जो मुझे टीचर्स ने मेरे लिए किया है उस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर खुशी है कि बच्चों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आर्टिकल 52A उसको भी पढ़ के सुनाया और प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मैं उस आर्टिकल के जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको भी यहाँ एक कलेक्टिव रूम में यहाँ लगाएंगे ताकि बच्चे यहाँ पढ़ते रहें। टीचर्स और बच्चों में एक ऐसा रिश्ता है कि जो टीचर बच्चों के लिए सोचता है शायद जो अपना बेटा भी उसका बच्चा भी कहीं पहुँच जाए मकान पे इतनी खुशी नहीं होती जितना कि एक विद्यार्थी के मुकाम पर पहुँचने पर होता है। तो टीचर का वो रिश्ता पवित्र रिश्ता विद्यार्थियों को चाहिए माता पिता और टीचर की इज्जत करें। जो बच्चे अपने माता पिता और टीचर की इज्जत करते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहते हैं। तो आज हमें मौका मिला और हमने श्री अविनाश राय जी खन्ना जो यहाँ थे उनसे हमने बच्चों का और टीचर्स का इंटरेक्शन कराया। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और छोटी छोटी ऐसी घटनाओं को शेयर करके टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट किया। देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत आज कॉलेज में स्कूटी वितरण किया गया। 28 स्कूटी हमारे स्टूडेंट्स को मिली हैं। ये सभी बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट की जो ये योजना है उसका लाभ मिला है। इससे मुझे विश्वास है कि उनके हौसलों को भी पंख लगेंगे। श्रीगंगानगर में MR